बहुत कर दिया आपने, यारों की टोली को जमा करने में वक्त देख रहे कितना लग गया। अरे भाई अंदर तो आने दो, से दो शायद फिर क्या होगा। खाना ले लीजिए और चक्कर बताइए, क्या भाभी के हाथों में अभी वो स्वाद है जो पहले था? भाभी जी नमस्ते, आज भी आप वैसी लग रही है जैसे अपने शादी के वक्त लग रही थी, वही रंग रूप वही श्रृंगार। आज भी हम यह सोचते हैं कि आप इस रंगोली के पल्ले कैसे पड़ गए। अच्छा बच्चू, मेरे घर आके मुझसे है। अभी तो आप सबको इतनी भूख लग रही थी, अब जल्दी जल्दी खाकर बताइए ना, बातों में चक्कर नहीं पड़ जाएंगे। खा ही लेते। भाभी जी मजा आ गया आपका खाना खा के, मतलब इसको खा के ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा सुनो, एक प्लेट पैक कर दीजिएगा ना प्लीज। तुझे पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, एक प्लेट पैक कर दीजिएगा प्लीज। अरे आप चुप रहिए, मैं एक नहीं दो प्लेट्स पैक कर दूंगी। अशरफ मियां वैसे आपने गलत किया। क्यों भाई, हमने क्या कर दिया? ब्याह कर लिया, कोई खर्च नहीं। अरे एक तो खत लिख दिया होता। अरे तो आपने गलत किया, बहुत गलत किया भाई। गलत तो आपने करा है, इसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, एक बढ़िया सी दावत देनी पड़ेगी भाई। यहाँ भी खाने की पड़ी है। अरे भाई पर हम क्या करते, हमारे तो अपना नहीं हमें पराया कर दिया था। हमने सोचा था अमन और शांति को परचम लहराएंगे, पर हमें क्या पता था कि हमारे अब्बा भी आखिरी वक्त तक आग के गोले फेंकते रहे। हम तो मिलकर आजादी की क्रांति लाए थे, पर पता नहीं ये क्या हो गया, आजादी क्रांति कहां गई सब। हम सोच रहे कि जीत हमारी रही और अपने पन में अंत में हम खुद से ही आ गए, और घाव भी मिला भी तो ऐसा जब तक भर ना पाया। भाभी। हाँ भैया। मैं थोड़ा और मिलेगा क्या? जरूर। भाई हमारा खाना तो हो गया, भाभी बस हमारे लिए थोड़ा पानी और लीजिए ना। अरे नहीं, हमारा भी हो गया। अरे इतना स्वाद खाना ना, मैं तो और खाऊंगा भाई। ये हमारा तो हो गया भाई। अरे वो तेरा जिसमें याद है किसी को? अरे हाँ भाई, कैसे बोल सकता हूँ, याद है सपर्णा, हमारी सालगिरह थी। अरे भाई सब याद है, तुम लोग तो हर बार की तरह दूर निकल गए थे और संभालना मुझे ही पड़ा था जैसा हर बार संभालना पड़ता था, पर हाँ मजा तो बहुत आया। अरे अरे वो फिरंगी, हम कैसे डकैत बन के गए थे और खुद के हाथ में बंदूक थी, बेवकूफ बन गया, इतना भी नहीं। अरे उसे तो घोड़ा भी नहीं संभला गया, घोड़ा भी मिला के गए थे दोनों, घोड़े में गधा। कहाँ खोए शर्मिया? बस इन कबूतरों को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या ये भी आपस में ऐसे ही लड़ते होंगे जैसे हम लड़ते हैं। सोच रहा हूँ कि इनके बीच भी मजहब की दीवारें हैं, ये भी वतन के नाम पर वैसे ही लड़ते हैं जैसे हम लड़ते हैं, बस यही सोच रहा हूँ। कहाँ निकले थे परचम फहराने आजादी और क्रांति, अब अमन और शांति की कामना करना बेवकूफी है भाई जान। राष्ट्र ऐसी क्रांति लाए होते हैं कि इन सारी बातों के बारे में विचार विमर्श करना ही ना पड़ता है। छोड़ो भैया, क्या हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि नई क्रांति आ सके। भैया तुम्हारे आराम का समय आ गया है। मेरे आराम का समय आ गया? क्या क्या मचा, समझ नहीं रहे हो भैया? अरे भैया मुस्कुराइए, सब लोग ऐसे क्यों देख, मुस्कुराइए, आप जन्नत में हैं। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to light and freedom.